अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टुडे आई विल डिस्कस विलियम शेक्सपियर सोनेट 116 बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस विलियम शेक्सपियर सोनेट 116 लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ़ ट्रू माइंड्स बेसिकली इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर ट्रू लव के बारे में बताता है बताता है कि ट्रू लव क्या है इन एक्चुअल लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ़ ट्रू माइंड्स admit impediments let me know to the marriage of true minds the word marriage of true minds means true love admit means accept Imp impediments means recovered william shakespeare kata मैं ऐसे किसी भी रीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसमें दो प्यार करने वालों के बीच में कोई दरार आए यानी ऐसी कोई रीज़न जो है वो एक्सेप्टेबल मेरे लिए नहीं है जिससे दो प्यार करने वाले एक ना हो सके लव इज़ नॉट लव प्यार प्यार नहीं है विच अल्टर जो तब्दील कर दे वैन इट अल्टरनेशन फाइंड्स यानी जो अपने प्यार को बदलता देखकर खुद बदल जाए वो प्यार प्यार ही नहीं है दर्ड अल्टर्स एंड अल्टरनेशन मीन्स बदल जाना या बदलना आर बैंड विद द रिमूवर आर रिमूव विलियम शेक्सपियर इस लाइन में कहता है अगर तुम्हारा बिलवड रिमूव हो गया फॉर एग्जाम्पल फर्ज किया कि आपका जो बिलव्ड है वो रिमूव हो गया तो तुम्हारा भी लव रिमूव हो जाएगा अगर ऐसा है कि तुम्हारा लव रिमूव हो जाए तो ये प्यार नहीं है ये लव नहीं है उसके बाद विलियम शेक्सपियर कहते हैं ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क एन एवर फिक्स्ड मार्क विलियम शेक्सपियर इस लाइन में कहता है कि ओ नो ओ नहीं इट इज़ एन एवर फिक्स मार्क ये एक फिक्सड मार्क है यानी ये एक ऐसा सितारा है जो कि अनचेंजेबल है जो कि चमकता रहता है यानी वो प्यार को यहाँ पर सितारे से कंपेयर कर रहा है वो कह रहा है कि जो हमारा जो सितारा है यानी जो लव है वो एक सितारे की तरह है ऐसा सितारा जो कि चमकता रहता है यानी ये अनचेंजेबल होता है यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता दैट् लुक ऑन टेम्पस्ट एंड इज न शेकन दर्ड टेम्पस्ट मीन्स तूफान एंड इज न मीन्स हिलना ठीक है यानी ये जो है लव uh, जो uh, है ये सितारा जो है ये ऐसा सितारा इन ऐसा तारा जो चमकता है तूफ़ानों तो में भी बग़ैर हिले यानी तूफ़ान तो अगर है उसमें भी बग़ैर हिले ये चमकता रहता है तो ये लव को यहाँ पर एज अ मेटाफर जो है uh, सितारे को स्टार को यूज़ किया गया है वो इन uh, तारे को और कहा गया है कि लव जो है वो तारे की तरह है उस तारे की तरह जो चमकता रहता है तूफ़ानों में भी बगैर हिले नेक्स्ट लाइन में विलियम शेक्सपियर कहता है इट इज़ द स्टार ये एक सितारा है टू एवरी वनडरिंग बार्क यानी ये उस सितारे की तरह है जो हर भटकते हुए नो को रास्ता दिखाता है द वर्ड बार्क मींस नो हुज वॉट्स अन नॉन हुज वॉट्स हुज वॉट्स वॉट्स अन का मतलब है जिस जिसका कोई मोल नहीं यानी जिसकी कोई कीमत नहीं विलियम शेक्सपियर कहता है इसकी कोई कीमत नहीं, नहीं लगाई जा सकती आल दो हालांकि हिज हाइट बी टेकन यानी हालांकि इसकी ऊंचाई जो है उसको हम आ, नाप सकते हैं यानी इसकी ऊंचाई को ज़रूर नापा जा सकता है लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती देन वो कहता है लव्स नॉट टाइम्स फूल प्यार जो है वो आ, आ, प्यार टाइम पार के अंदर नहीं होता यानी जो प्यार है वो टाइम के पार के अंदर नहीं होता टाइम के ताकत के अंदर नहीं आता था रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, कम के टाइम के पास इतनी पार है कि वो गुलाबी होंटों और गालों को डिस्ट्रॉय कर सके। बट बेयर्स इट लव अल्टर्स नॉट विध हिज़ ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स लव अल्टर्स प्यार जो है वो तब्दील नहीं होता विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स यानी घंटे और हफ़्तों के अंदर यानी गुजर जाने से लव जो है वो बदलता नहीं है यानी प्यार नहीं बदलना चाहिए या नहीं बदलता घंटे और हफ्ते गुजर जाने के बाद यानी घंटे और हफ़्ते बेशक गुजरें उसमें प्यार को बदलना नहीं चाहिए प्यार वही सेम रहना चाहिए बट बेयर्स इट आउट इवन टू एज ऑफ रूडूम इस लाइन में विलियम वर्ड वर्थ कहता है कि ये कयामत के दिन अब ये जो एज ऑफ रूडूम है इट मीनस कयामत के दिन यानी आखिरी दिन तक प्यार जो है वो बदलता नहीं है यानी उसे नहीं बदलना चाहिए घंटे और हफ्ते अगर गुज़र भी जाएं कयामत के दिन तक ये फ़िक्स रहता है इसमें कोई तब्दीली नहीं आती यानी एज ऑफ डूम ये क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियंस में उनके रिलीजस में एज ऑफ डूम जो है वो कयामत का दिन होता है यानी आखिरी दिन जो है वो कहलाया जाता है इन क़यामत के दिन तक लव जो है वो अनचेंजेबल होता है ये बाकी रहता है फ़िक्स होता है अब कपलेट में विलियम शेक्सपियर कहते हैं एनवल टू लाइंस में इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड कि अगर ये बात गलत हुई यानी इसमें कोई भी एरर निकला इसमें कोई भी ग़लती निकली और मैं गलत साबित हो सकता हूँ अगर आ, मैं गलत साबित हो सकता हूँ आई नेवर राइट तो मैं ये समझूगा कि मैंने नहीं लिखा कभी भी नो मैन एवर लव्ड और ना ही किसी आदमी ने कभी प्यार किया इन लाइन्स में बेसिकली इन शॉर्ट विलियम वर्ड्स विलियम शेक्सपियर ये कह रहा है कि अगर ये बात गलत हुई कि मैं इसमें कोई एरर निकला तो मैं या मैं गलत साबित हो सका तो मैं ये समझूंगा कि मैंने कभी ना ही लिखा है और ना ही किसी इंसान ने प्यार किया है ओवरऑल इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर जो कहना चाह रहा है वो ये कि लव जो है वो फॉर एवर रहता है लव अटर्नल है लव जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता लव डिक्लाइन नहीं होता लव हमेशा रहता ही रहता है जो चीज़ रिमूव हो जाती है यानी जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो लव नहीं होता और ये ट्रू फीलिंग्स लव जो है वो ट्रू फीलिंग है वो फार एवर रहती हैं आफ्टर डेथ भी लव जो है वो बाक़ी रहता है आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा